हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सना साइंस क्लब। आज के इस लेक्चर में हम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हमने कुछ टॉपिक जो है डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने डाइजेशन पूरी तरह से डिस्कस कर लिया है, रेस्पिरेशन भी डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से। देखो, जो केवीएस का सिलेबस है वहाँ पे ये सिंपली ट्रांसपोर्ट इन एनिमल के नाम से दिया है, और एनबीएस में भी मतलब लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, और डी ट्रिपल एस बी में फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है। तो नॉर्मली अगर हम इसको बोलेंगे तो हम बोल देंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, यानी अगर हम एनसीईआरटी के मुताबिक बोले तो हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं। तो नाम कुछ भी हो, जो इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है, जो टॉपिक हैं, जो इसके सब टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें तो सेम होने वाली हैं। तो ये वीडियो आपको डी ट्रिपल एस पी के लिए, केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए, ईएमआरएस के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए क्या होंगे, हेल्पफुल होंगे। तो चलिए यहाँ पे अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये हमारे एनसीईआरटी में बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के नाम से मेंशन है। तो देखिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जब भी हमको कोई कट लग जाता है, क्या लग जाता है, कट, यानी कहीं हमको हाथ वगैरह में चोट लग जाता है, तो क्या आता है, उससे ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? ब्लड। तो जो ब्लड निकलता है, तो ब्लड है क्या? तो जो ब्लड होता है, जैसे हमने देखा था डाइजेशन चैप्टर, तो डाइजेशन में जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, इन सब, ये मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स थे, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब अगर वो हमारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहे हैं तो किसके हेल्प से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड के थ्रू ही हमारे सेल्स में, टिश्यू में, हर जगह पे जाते हैं। तो ब्लड को हम क्या कह सकते हैं? फ्लूइड। सबसे पहले तो ये फ्लूइड रूप में होता है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, क्या कह सकते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, ये हमारे हार्ट से सभी सेल्स को क्या करता है, सभी टिश्यूज को कनेक्ट करता है। तो जैसे हमने रेस्पिरेशन में भी देखा था, जो ऑक्सीजन एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट था, वो भी किसके हेल्प से होता है? ब्लड में, जो RBC है उसके हेल्प से। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के लिए ये ब्लड ही है रिस्पॉन्सिबल, तो ब्लड को क्या बोलेंगे? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लड होता है, इसमें कई तरह के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं सेल्स? जैसे ये मान लो ये है हमारा ब्लड, तो यहाँ पे कई तरह के सेल्स होंगे। कुछ जो हैं वो होंगे रेड ब्लड सेल्स, कुछ होंगे वाइट ब्लड सेल्स, और यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मा होते हैं, और क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं। तो सेल्स में RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है, इसके अलावा क्या होता है ब्लड में? प्लाज्मा होता है। तो ये जो है हो गया हमारा ब्लड का कंपोजिशन कह सकते हैं। तो ब्लड के कंपोजिशन में क्या क्या है? ब्लड सेल्स हैं प्लस प्लाज्मा। तो ब्लड सेल में RBC, WBC, प्लेटलेट्स प्लस प्लाज्मा हो गया। अब देखो, जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक रसगुल्ले का डब्बा है, क्या है? रसगुल्ले का एक डब्बा है। तो रसगुल्ले के डब्बे में क्या होगा? चाशनी होगा और रसगुल्ला होगा। क्या होगा? चाशनी होगा और रसगुल्ला होगा। तो जो रसगुल्ला है, जो रसगुल्ला है रसगुल्ले के डिब्बे में, उसको हम बोल देंगे कि वो ब्लड सेल्स है। बाकी जो चाशनी है वो क्या हो जाएगी? हमारी प्लाज्मा। तो हम कह सकते हैं ब्लड सेल्स प्लस प्लाज्मा इक्वल टू ब्लड। तो ब्लड के कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं? ब्लड सेल प्लस प्लाज्मा। तो इसको आपको एग्जाम्पल से समझ आया होगा। अगर जो है एक कटोरी ही मान लीजिए, किसी कटोरी में हमने रसगुल्ला रख दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, चाशनी भर दी। तो जो यहाँ पे रसगुल्ला है वो हो गया हमारा ब्लड सेल, और जो चाशनी है वो हो गई प्लाज्मा। तो ये आपको जो है यहाँ पे ब्लड सेल प्लाज्मा, ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले यहाँ पे RBC है, जो ये आपको रेड कलर के दिख रहे हैं, WBC है जो कि वाइट कलर के दिख रहे हैं, और यहाँ पे आपको प्लेटलेट्स दिख रहे हैं, जो कि सेल के फ्रेगमेंट्स होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से हम ब्लड में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं जितने भी ब्लड सेल्स हैं उनको। तो ब्लड सेल में हम किसको माइनस करेंगे? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। तो देखिए, यहाँ पर इस वाले फिगर में हमको जो है RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये दिख रहे हैं, यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, यहाँ पे कोई सेल आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। तो माइनस और रिमूविंग ऑल ब्लड सेल्स फ्रॉम ब्लड, तो ब्लड में से जब सारे ब्लड सेल्स को हम निकाल देंगे, जो बच जाएगा वो क्या होगा? हमारा प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। अब देखो, जो प्लाज्मा होता है इसमें कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन होते हैं, तो क्या होगा,
जैसे जब आप प्लाज्मा को थोड़े देर के लिए रख दीजिए, क्या करेंगे, लेफ्ट फॉर सम टाइम, इसको जो है थोड़े देर के लिए रख दीजिए, तो क्या होगा, जो इसका क्लॉटिंग प्रोटीन होता है वो ऊपर फ्लोट करने लगता है, यानी तैरने लगता है। यानी हम कह सकते हैं प्लाज्मा को अगर थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दीजिए तो क्लॉटिंग प्रोटीन ऊपर आ जाता है, बाकी नीचे एक क्लियर फ्लूड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एक क्लियर फ्लूड मिल जाता है। तो ये जो क्लियर फ्लूड है इसको हम बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं, सीरम। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन, यानी अगर हम प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सीरम। तो हमने आपको क्या बताया, अगर हम ब्लड में से सभी तरह के ब्लड सेल्स को माइनस कर देंगे यानी रिमूव कर देंगे तो जो बच जाएगा वो होगा हमारा प्लाज्मा, और प्लाज्मा में से जब हम क्लॉटिंग प्रोटीन को माइनस कर देंगे, या हम बोलें कि प्लाज्मा में से जब हम क्लॉटिंग प्रोटीन को रिमूव कर देंगे जो बच जाएगा वो होगा हमारा सीरम। क्या होगा, सीरम। तो ब्लड माइनस ब्लड सेल्स इक्वल टू प्लाज्मा, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इक्वल टू सीरम, ये जो है हम कह सकते हैं। और देखो ये जो है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग प्रोटीन इक्वल सीरम, ये ऑलरेडी NVS PYQ में पूछा गया है, वो ऐसे मतलब फॉर्मूले के रूप में नहीं पूछे थे, कुछ जो है स्टेटमेंट वाइज पूछे थे कि मतलब सीरम क्या है, नॉर्मली पूछने का यही था कि सीरम क्या है। तो अगर आपको इतना पता है कि प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दिया जाए जो बच जाता है वो सीरम होता है, तो आप क्वेश्चन को ईजिली जो है सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए कुछ पॉइंट्स, पॉइंट्स में क्या है, कलर ऑफ ब्लड इज रेड, सबको पता है जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है। क्यों होता है, ड्यू टू RBC यानी ड्यू टू रेड ब्लड सेल्स, जो ब्लड का कलर रेड होता है वो किसके वजह से होता है, ड्यू टू RBC यानी रेड ब्लड सेल्स। अब देखो जो RBC होता है उसका कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। क्यों होता है, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। देखो कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू RBC, कलर ऑफ RBC इज रेड ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और यहाँ पे देखो जो WBC होता है जिसको हम बोलते ही हैं वाइट ब्लड सेल्स, तो नाम में ही है वाइट, यानी ये कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कलरलेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं WBC आर कलरलेस ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, जो RBC है वो रेड है हीमोग्लोबिन की वजह से, जो WBC है वो कलरलेस है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, जैसे ये है हमारा ब्लड, क्या है ब्लड, जब आप ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर देंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया है। जैसे मान लीजिए एक हमने क्या लिया, ट्यूब, एक ट्यूब लिया और इसमें जो है ब्लड को फिल कर दिया, क्या कर दिया, ब्लड को फिल कर दिया, और इसमें जो है इस तरह से एक मतलब घुमाने वाला लगा, जैसे देखो मक्खन निकालने के लिए हम उसको बिलोते हैं, क्या करते हैं, मक्खन निकालने के लिए जब हम उसको क्या करते हैं, बिलोते हैं, तो ठीक उसी तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन भी है, मतलब इस किसी ट्यूब में जो है ब्लड को भर लिया जाए और उसको गोल गोल घुमा दिया जाए, गोल गोल क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो जब आप जो है ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो थोड़ा टाइम बाद आप देखेंगे जो सबसे नीचे बैठ जाता है वो होता है हमारा RBC, क्या होता है RBC, जो सबसे नीचे आ जाता है, जो सबसे नीचे बैठ जाता है वो होता है RBC, जो बीच में आ जाता है वो होता है WBC प्लस प्लेटलेट्स, जो बीच में आता है वो होता है WBC प्लस प्लेटलेट्स, और जो सबसे ऊपर फ्लोट करता है वो होता है प्लाज्मा। तो आप याद रखना जब ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है तो सबसे नीचे जो बैठ जाता है वो होता है RBC, बीच में आता है हमारा WBC प्लस प्लेटलेट्स, और सबसे ऊपर जो आता है, जो सबसे ऊपर फ्लोट करता है वो होता है हमारा प्लाज्मा, और इसको हम बोलते हैं PCV यानी पैक्ड सेल वॉल्यूम। अब आगे देखिए रेड ब्लड सेल्स के बारे में, तो ये हमने देख ही लिया रेड ब्लड सेल्स रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और जो RBC है इसी को हम बोलते हैं इरीथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं इरीथ्रोसाइट्स। जैसे मान लीजिए आप जो है नॉर्मली सबको यही पता होता है RBC रेड ब्लड सेल्स, तो कभी कभी मान लो कोई क्वेश्चन पूछा और वहाँ पे RBC ना देखे, जैसे आपसे पूछते हैं कि विच सेल्स हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी O2 एंड CO2, तो वहाँ पे RBC ऑप्शन में ना देखे इरीथ्रोसाइट मतलब इस तरह से वो नाम दे देते हैं, तो वहाँ पे जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपको इनके
अदर नेम नहीं पता है, तो जैसे हम प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट इस तरह से बोलते हैं, तो इनका मतलब जो भी नेम है सब सारा ही आपको पता होना चाहिए। तो जो आरबीसी है, जो रेड ब्लड सेल्स है, इसको हम क्या बोलते हैं, इरीथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं, इरीथ्रोसाइट्स। तो अब देखो, जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है इम्ब्रियोनिक लाइफ में, यानी जब इम्ब्रियो ही होता है, तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है योक सैक में, लीवर में, स्प्लीन में एंड बोन्स में। लेकिन बाद में क्या होता है, जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो होता है मोनली बोन्स। क्या होता है, इम्ब्रियोनिक लाइफ में योक सैक, लीवर, स्प्लीन, बोन्स ये सारे ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बाद में मोनली बोन्स आर इन्वॉल्व इन आरबीसी फॉर्मेशन। तो इस पॉइंट को आप जो है याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। तो अब देखो, बोन मैरो में क्या होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, क्या होता है बोन मैरो में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और फिर क्या होता है इसका मैच्योरेशन होता है और बनती है हमारी मैच्योर आरबीसी। जैसे मान लो कोई भी चीज़ जब नया नया बना, तो ये तो है नहीं वो तुरंत के तुरंत मैच्योर हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा फिर वो क्या होगा, मैच्योर होगा। तो जब तुरंत के तुरंत बोन मैरो में आरबीसी बनी, यानी हम कह सकते हैं अभी वो कैसी होगी, इमैच्योर होगी। कैसी होगी, इमैच्योर होगी, और बाद में धीरे धीरे क्या होगी, मैच्योर होगी। तो देखो, अभी जो आरबीसी फॉर्मेशन हुआ बोन मैरो में वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे क्या होता है, इनके सेंटर में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, इनके सेंटर में न्यूक्लियस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं कि जो आरबीसी होती है, जो मैच्योर आरबीसी होती है, उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। लेकिन याद रखना, जो इमैच्योर आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए, इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो जब आरबीसी नई नई बनती है, जब उसका तुरंत के तुरंत फॉर्मेशन हुआ है, तो वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन बाद में जब आरबीसी मैच्योर हुआ तो यहाँ पे जो है न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, जो मैच्योर आरबीसी है यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट क्यों होता है, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सारी चीज़ें, तो ये यहाँ पे अब्सेंट क्यों होती हैं, ताकि यहाँ पे एक स्पेस मिल सके। जैसे हम देखते हैं आरबीसी के बहुत सारे फंक्शन हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट ही हो गया, क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है इस वजह से इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो क्या होगा, यहाँ पे उसके लिए स्पेस चाहिए, तो उस स्पेस के लिए मतलब ताकि इसके अंदर एक स्पेस हो, इस वजह से यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, अब्सेंट होता है। तो देखो, जो आरबीसी होती है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम कह सकते हैं बाई कॉनकेव। क्या बोलते हैं, बाई कॉनकेव। तो जो मैच्योर आरबीसी होती है वो कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है, और यहाँ पे न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी रिक्वायर्स, यानी जब आरबीसी इमैच्योर से मैच्योर आरबीसी बनती है, तो उसके मैच्योरेशन में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 का क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। डिफिशियंसी ऑफ एनी वन, यानी चाहे आपके बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाए, यानी कमी हो जाए, चाहे फोलिक एसिड की डिफिशियंसी हो जाए, या फिर विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो जाए, ये सारे ही केसेस क्या करते हैं, एनीमिया को लीड करते हैं। देखो, आरबीसी मैच्योर कब होती है, जब हमारे बॉडी को सफिशियंट अमाउंट में आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12 मिलता है। लेकिन मान लो अगर आयरन की कमी हो गई, या फोलिक एसिड की कमी हो गई, या यहाँ पे विटामिन B12 की कमी हो गई, या फिर इनमें से दो या तीन, मतलब कोई भी इसमें से किसी भी यहाँ पे मतलब किसी में भी कमी हो जाए, तो क्या होता है, ये एनीमिया को लीड करते हैं, क्योंकि ये हेल्प करते हैं आरबीसी के मैच्योरेशन में। और अगर इनकी कमी हो गई तो आरबीसी का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, यानी हम कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी की कमी हो जाएगी, और आरबीसी की कमी को ही क्या बोलते हैं, एनीमिया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी रिक्वायर्स आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, डिफिशियंसी ऑफ एनी वन लीड टू एनीमिया, यानी रिडक्शन ऑफ आरबीसी। अब यहाँ पे देखो, आरबीसी आर नॉट यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, जिसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए आरबीसी का यूज नहीं किया जाता है, क्यों, बिकॉज दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड डीएनए। जो आरबीसी होता है, जो मैच्योर आरबीसी होता है उसकी बात हो रही, क्योंकि उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और डीएनए नहीं होता, इस वजह से इसका हम यूज डीएनए प्रोफाइलिंग या फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में नहीं कर सकते। एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन आरबीसी, तो फिर से क्या रीजन है, बिकॉज दे डू नॉट है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि जो आरबीसी है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, अब्सेंट होता है।
तो अब आगे देखिए यहाँ पे ये जो आरबीसी है, तो हमने देखा ये बाई कॉनकेव शेप की है, तो बीच में पतली है, किनारे पे मोटी है। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है ये होता हमारा 1 माइक्रोमीटर, और ये जो इंड वाला पोर्शन है उसको हम कहते हैं, मतलब उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 2.2 माइक्रोमीटर। बीच वाला पोर्शन 1 माइक्रोमीटर और इंड वाला पोर्शन 2.2 माइक्रोमीटर होता है। और जो इस तरह से मतलब आरबीसी है उसको हम बोलते हैं, मतलब इसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है 7.2 माइक्रोमीटर। तो हम कह सकते हैं मतलब इसका जो डायमीटर वो वेरी करता है। देखो जो आरबीसी होता है इसका लाइफ साइकिल कितना होता है, 120 डेज। कितना होता है? 120 डेज। और आफ्टर 120 डेज दे विल डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन। स्प्लीन को हम क्या बोलते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ ब्लड, ब्लड का कब्रिस्तान। यानी देखो जो स्प्लीन होता है, यहाँ पे जो आरबीसी होती है जब वो पूरी तरह से मतलब मेच्योर हो जाती है, यानी 120 डेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो वो यहाँ पे आके क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इसी वजह से हम स्प्लीन को क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। सिंपल सा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं कि मतलब ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कौन है, स्प्लीन, लीवर, लंग्स, इस तरह से ऑप्शन दे देंगे, तो याद रखना स्प्लीन। अब देखो ब्लड क्या है, सॉरी आरबीसी क्या है? बाई कॉनकेव है। ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएटेड मीन्स क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो आरबीसी कैसा हो गया? बाई कॉनकेव। ई न्यूक्लिएटेड 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ इन ब्लड, यानी इसका जो अमाउंट होता है वो होता है 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ इन ब्लड। तो इसको जो है आप याद रखना, आरबीसी का अमाउंट मिलियंस में होता है। और ये रेड किस वजह से होते हैं? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। इनका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 एंड CO2। अब यहाँ पे देखिए सरफेस ऑफ आरबीसी, जो आरबीसी का सरफेस होता है उस पर क्या होते हैं? कुछ आइडेंटिटी मार्कर होते हैं। क्या होते हैं? कुछ आइडेंटिटी मार्कर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। क्या बोलते हैं? एंटीजन। जो आरबीसी का सरफेस होता है उस पर कुछ आइडेंटिटी मार्कर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। अब देखो एंटी मीन्स एंटीबॉडी, जेन मीन्स जेनरेट, यानी देखो वो जो है एंटीबॉडी जेनरेट करवाए, एंटीबॉडी जेनरेट करवाए उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीजन। यानी एंटीबॉडी जेनरेटिंग, एंटीबॉडी जेनरेटिंग कौन होगा? एंटीजन। अब यहाँ पे देखो जो एंटीजन होते हैं वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं। एक होता हमारा ABO एंटीजन, एक होता है RH एंटीजन। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? ABO सिस्टम के बारे में। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ अभी तक हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि सबसे पहले ब्लड के बारे में, ब्लड क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड में कई तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी होता है, WBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, और उसके साथ में प्लाज्मा होता है। तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा? ब्लड में से आप जो है सभी तरह के सेल्स को रिमूव कर दो, जो बच गया वो प्लाज्मा हो गया, और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग प्रोटीन को हटा दो, जो बच गया वो सीरम हो गया। फिर हमने यहाँ पे देखा अगर हम आरबीसी को सेंट्रीफ्यूग करें तो ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएं तो सबसे नीचे आरबीसी, बीच में WBC और एकदम ऊपर प्लाज्मा आता है। और फिर हमने स्टार्ट किया आरबीसी के बारे में पढ़ना। तो सबसे पहले हमने कौन से सेल के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया? आरबीसी, जिसके बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा कि ये रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। और आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। आरबीसी का फॉर्मेशन एम्ब्रियोनिक लाइफ में, योक सैक में, लीवर में, स्प्लीन में, बोन्स में, कहीं भी हो सकता है। लेकिन मतलब एक एडल्ट में जब आरबीसी फॉर्मेशन होता है तो वो होता है केवल बोन्स में, यानी बोन मैरो में। तो बोन मैरो में जब आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ, यानी जो अभी इमेच्योर आरबीसी है वो राउंड होती है और कैसी होती है? यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लेकिन आफ्टर मेच्योरेशन, यानी मेच्योर आरबीसी कैसी होती है? बाई कॉनकेव होती है, और यहाँ पे किसी भी तरह का न्यूक्लियस या फिर सेल ऑर्गेनली जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें भी क्या होती हैं? साथ के साथ एब्सेंट होती हैं। मेच्योरेशन ऑफ आरबीसी रिक्वायर आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, और इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है, यानी रिडक्शन ऑफ आरबीसी। फिर हमने देखा आरबीसी का जो DNA प्रोफाइलिंग के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस और DNA एब्सेंट होते हैं। फिर देखा जो आरबीसी होता है यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है क्योंकि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है? एब्सेंट होता है। फिर हमने देखा इसका जो डायमीटर है वो वेरी कर सकता है।
देखो ये राउंड भी होते हैं, बाइकॉनकेप भी होते हैं। तो जब बाइकॉनकेप होते हैं तो बीच में पतले, किनारे पे मोटे होते हैं, तो बीच में 1 माइक्रोमीटर और किनारे पे 2.2 माइक्रोमीटर, और राउंड होंगे तो 7.2 माइक्रोमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 माइक्रोमीटर to 7.2 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर हो सकता है। और यहाँ पे हमने देखा जो आरबीसी होता है इसका लाइफ साइकिल 120 डेज का होता है, और 120 डेज के बाद क्या हो जाते हैं, ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। स्प्लीन को हम क्या कह सकते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड। फिर हमने देखा जो आरबीसी है इसको हम क्या देखें कि ये जो है बाइकॉनकेव होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती, यानी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। 5 to 5.5 मिलियन पर mm³ इन ब्लड जो है ये प्रेजेंट होता है, इसका अमाउंट यानी इसका नंबर जो है। और हमने देखा ये रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन, और ये क्या करता है, ओटू का ट्रांसपोर्ट। फिर हमने क्या देखा, जो आरबीसी है इसके सरफेस पे क्या होते हैं, कुछ आइडेंटिटी मार्कर होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। एंटी मीन्स एंटीबॉडी, जेन मीन्स जेनरेटिंग, यानी एंटीबॉडी जेनरेट कराने वाला जो है वो है हमारा एंटीजन। और ये जो एंटीजन है यानी जिसको हम आइडेंटिटी मार्कर के नाम से जान रहे हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा ABO एंटीजन, एक होता है RH एंटीजन। तो अभी तक आपको एक मतलब ओवरव्यू समझ में आ गया होगा कि हम क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ें और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने क्या देखा, ब्लड देखा, ब्लड के सेल्स देखें, और उस सेल्स में से हमने आरबीसी को डिस्कस करना स्टार्ट किया है। तो क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं आरबीसी के बारे में मैंने आपको बता दिया, अब आगे देखते हैं। तो देखो जो सरफेस है आरबीसी का उस पर क्या होते हैं, आइडेंटिटी मार्कर होते हैं जिसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ABO सिस्टम, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें बहुत कंफ्यूज भी होते हैं, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ एक बार इसको आप ध्यान से देखिए आप कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा, जो आरबीसी का सरफेस है, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये है हमारा आरबीसी, ये है हमारा आरबीसी, ये है हमारा आरबीसी, ये है हमारा आरबीसी, तो ये सब क्या है हमारा आरबीसी। तो हमने क्या बताया आपको, जो आरबीसी है उसके सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं, जिसमें से जो है ABO एंटीजन हो सकते हैं या फिर RS एंटीजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे ABO एंटीजन के बारे में। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप, यानी जिस व्यक्ति के आरबीसी पे ए एंटीजन होंगे हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप। और मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी पे बी एंटीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका ब्लड कैसा है, बी ब्लड ग्रुप। तो देखो आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, अगर बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, अगर ए बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है तो ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर यहाँ पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये है हमारा ए एंटीजन, क्या है ए एंटीजन, ये है हमारा बी एंटीजन, बी एंटीजन, और यहाँ पे दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट हैं, यहाँ पे दोनों तरह के एंटीजन प्रेजेंट है तो हम इसको बोलते हैं ए बी एंटीजन, और इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है ए बी ब्लड ग्रुप। अगर किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है तो हम बोलते हैं वो है हमारा ओ ब्लड ग्रुप। तो इतना आपको समझ में आया होगा, जो आरबीसी होता है उसके सरफेस पे कुछ एंटीजन होते हैं और उसी बेस पे हम डिसाइड करते हैं किसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन तो ए ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी के सरफेस पे बी एंटीजन तो बी ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी के सरफेस पे ए बी एंटीजन तो ए बी ब्लड ग्रुप, अगर आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है बन सकता है कि किस बेस पे हम डिवाइड करते हैं कि क्या ब्लड ग्रुप होगा। तो याद रखना आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है उस बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या होगा। आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एंटीजन ही डिसाइड करता है कि किसका क्या ब्लड ग्रुप होगा, आपको कंफ्यूज करेगा एंटीबॉडी से। तो एंटीबॉडी या किसी भी चीज़ से कंफ्यूज मत होना, बस आपको एक ही चीज़ पता होना चाहिए आरबीसी के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है उसी से डिसाइड होगा कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ पे देखो जो एंटीजन है,
वो उसको हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी मार्कर। ये किससे बना होता है? ग्लाइकोप्रोटीन का। किसका? ग्लाइकोप्रोटीन का। ग्लाइको मीन्स शुगर, प्रोटीन मीन्स प्रोटीन, तो शुगर प्लस प्रोटीन का क्या बना होता है? एंटीजन। अब देखो ए एंड बी एंटीजन आर स्लाइटली डिफरेंट शुगर। जैसे हमने देखा ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन, तो ये जो ए और बी एंटीजन है इनमें बस हल्का सा डिफरेंट होता है। देखो इनका जो कंपोजिशन है वो है शुगर प्लस प्रोटीन, तो ए एंड बी एंटीजन जो होते हैं इनका जो शुगर होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें नहीं होता है। तो अब यहाँ पे समझो, मान लो हम क्या करते हैं, अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता होगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आज क्लियर होंगी। तो देखो मान लो ए एंटीजन यहाँ पे आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट है, तो हम इसको बोल रहे हैं क्या है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। क्या है ये? है हमारा गर्ल्स हॉस्टल। हम बोल रहे हैं ए ब्लड ग्रुप को क्या है हमारा? गर्ल्स हॉस्टल है। जहाँ पे बी एंटीजन है ये हमारा बॉयज हॉस्टल है, और ए बी एंटीजन दोनों है तो ये हमारा कोएड हॉस्टल है, और जहाँ पे किसी भी तरह का एंटीजन नहीं वो हमारा नॉन डिफाइंड हॉस्टल है। अब देखो कौन आ सकता है, कौन आ सकता है? अगर गर्ल्स हॉस्पिटल हैं, अगर गर्ल्स हॉस्पिटल हैं, सॉरी हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल, अगर गर्ल्स हॉस्टल है तो यहाँ पे कौन आ सकता है? ओनली गर्ल्स आर अलाउड, यहाँ पे केवल गर्ल्स आ सकती हैं। और ये किसके अंगेंस्ट है? ये बॉयज़ के अंगेंस्ट है। और अगर बॉयज हॉस्टल है, अगर बॉयज हॉस्टल है तो कौन आ सकता है? ओनली बॉयज अलाउड, यानी केवल बॉयज आ सकते हैं। और ये किसके अंगेंस्ट है? ये है फॉर गर्ल्स, यानी गर्ल्स के अंगेंस्ट है। अगर कोएड हॉस्टल है, अगर कोएड हॉस्टल है, कोएड मीन्स बोलते हैं जो लड़के और लड़की दोनों के लिए होता है, यानी यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही अलाउड हैं, यानी यहाँ पे ये किसी के अंगेंस्ट नहीं है, यानी ये यहाँ पे किसी को नहीं रोकेगा, किसी को नहीं रोकेगा। और अगर यहाँ पे नॉन डिफाइंड हॉस्टल है, यानी ओनली नॉट डिफाइंड यहाँ पे अलाउड हैं, बॉयज एंड गर्ल्स के अंगेंस्ट काम करता है, यानी यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स नहीं आ सकते, यहाँ पे केवल नॉन डिफाइंड लोग ही आ सकते हैं। तो आपको अगर ये एग्जांपल समझ में आया तो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो हमने आपको क्या बताया, अगर गर्ल्स हॉस्पिटल हैं तो केवल गर्ल्स आ सकती हैं, बॉयज नहीं आ सकते, यानी बॉयज के अंगेंस्ट काम करेगा, यानी बॉयज को रोकेगा। अगर बॉयज हॉस्टल है तो बॉयज आ सकते हैं, गर्ल्स नहीं आ सकती हैं, यानी गर्ल्स को रोकेगा। अगर कोएड हॉस्टल है तो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों आ सकते हैं, यानी किसी को नहीं रोकेगा। अगर नॉन डिफाइंड हॉस्टल है तो केवल नॉन डिफाइंड आ सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स को रोकेगा। अब आगे देखो, अब देखो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है ये क्या करता है? ये खुद को भी दे सकता है, ओ ओ को भी दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है, और बी को भी दे सकता है। जो बी ब्लड ग्रुप है ये खुद को भी दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जो ए ब्लड ग्रुप है वो खुद को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। तो अब यहाँ पर देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, अगर नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो कि हम किस बेस पे बोलेंगे, कौन देगा कौन लेगा ये सारी चीज़ें। तो देखो यूनिवर्सल भिखारी, यानी जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो कि सबसे ले लेगा, जो कि सबसे ले लेगा, जिसको हम बोल रहे हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी यूनिवर्सल भिखारी कौन है? यूनिवर्सल भिखारी है हमारा ए बी, जो कि सबसे ले सकता है। यहाँ पर देखो ये जो है ए से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा, बी से भी ले रहा और ए बी से भी ले रहा है। तो जो यहाँ पे ए बी है वो क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, बिकॉज इट हैव बोथ एंटीजन। क्या है? जो ए बी है, जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसके पास क्या है? बोथ एंटीजन है, यानी ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। सो इट डज नॉट अलाउ, यानी हम कह सकते हैं सो इट डज नॉट इंड्यूज एंटीजन फॉर्मेशन इन इट्स ओन प्लाज्मा। तो देखो जो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, यानी जिसको हम बोल रहे हैं ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें क्या होता है? इसके पास दोनों ही एंटीजन होते हैं, इसके पास दोनों एंटीजन होते हैं। तो ये क्या करता है? ये अपने खुद के प्लाज्मा में
कोई भी एंटीजन फॉर्मेशन इंड्यूज नहीं करता है। क्या करता है? जो एबी ब्लड ग्रुप होता है इसके पास दोनों ही एंटीजन होते हैं, इस वजह से ये खुद के प्लाज्मा में किसी भी तरह के एंटीजन फॉर्मेशन को इंड्यूज नहीं करता है। अब देखो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, यानी यूनिवर्सल दाता जो कि सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर जो कि सबको दे सकता है। अब ये सबको क्यों दे सकता है? तो देखो बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजन, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजन। ये क्या हो रहा? देखो जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसके पास क्या होता है, किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं होता है, इस वजह से ये सबको दे सकता है। अब देखो मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था एंटीजन और एंटीबॉडी वाला। तो देखो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है, क्या होता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल, ये पेन क्यों नहीं चल रहा, देखो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करता है तो उसके अंगेंस्ट क्या बनता है, जो मतलब जो एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी जनरेटिंग होते हैं। यानी देखो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में इंटर करते हैं तो क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है, उसके पास किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है, सो दे डू नॉट इंड्यूज एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन रिसिपिएंट। रिसिपिएंट क्या होता है? जो ब्लड लेता है, जिसको ब्लड दिया जाता है, जिसको ब्लड दिया जाता है वो क्या होता है, रिसिपिएंट होता है, यानी जो रिसीव करेगा ब्लड को। तो देखो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो जब वो ब्लड जो है दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो जब एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी जनरेट कौन करवाएगा, तो एंटीबॉडी जनरेट कौन करवाएगा, तो कोई है ही नहीं एंटीबॉडी जनरेट करवाने वाला। इस वजह से जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, वो किसी को भी दिया जा सकता है, वो किसी को भी दिया जा सकता है क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है। तो याद रखना ओ ब्लड ग्रुप इज कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी एंटीजन, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, सो दे डू नॉट इंड्यूज एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन रिसिपिएंट। ये जो है रिसिपिएंट के बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी इंड्यूज नहीं करवाएगा। लेकिन जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो किसी से ले नहीं सकता है, वो केवल ओ ब्लड ग्रुप, आप देखेंगे जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं उनको ब्लड मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ओ ब्लड ग्रुप वालों को केवल ओ ब्लड ग्रुप ही दिया जा सकता है। अभी वो प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे, अभी बस यही समझो। तो क्या है, देखो जो ओ ब्लड ग्रुप है, अगर मान लो ओ ब्लड ग्रुप के अलावा अगर हमने उसको एक ब्लड ग्रुप जो है चढ़ा दिया, जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसको ब्लड की ज़रूरत है लेकिन उसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो मान लो अगर उसको ए ब्लड ग्रुप दे दिया जाएगा तो ए ब्लड ग्रुप पे ए एंटीजन है, तो ये जब ओ ब्लड ग्रुप में जाएगा तो एंटीबॉडी जनरेट करवाएगा, यानी यहाँ पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। और अगर बी ब्लड ग्रुप दे दिया गया तो वहाँ पे बी एंटीजन है, तो वो एंटीजन एंटीबॉडी जनरेट करवाएगा, फिर से गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए बी जो ब्लड ग्रुप दे दिया गया तो ए बी दोनों एंटीजन है, दोनों ही एंटीबॉडी जनरेट करवाएगा, यानी तीनों ही केस में यहाँ पे क्या है, मामला गड़बड़ है। तो ओ ब्लड ग्रुप के केस में क्या होता है, ओ ब्लड ग्रुप वाले को केवल ओ ब्लड ग्रुप ही दिया जा सकता है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एंटीबॉडी जनरेट नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे आप जो है ये वाला पॉइंट याद रखना, रिसिपिएंट जो लिखा है, देखो जो ओ ब्लड ग्रुप है उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इस वजह से सबको दिया जा सकता है क्योंकि वो रिसिपिएंट के बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन को इंड्यूज नहीं करेगा। और जो ए बी ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है बिकॉज इट है बोथ एंटीजन, क्योंकि इसके पास दोनों ही एंटीजन है, सो इट डज नॉट इंड्यूज एंटीजन फॉर्मेशन इन इट्स ओन प्लाज्मा। तो अब यहाँ पे देखो जो ए ब्लड ग्रुप होता है, जो ए ब्लड ग्रुप होता है
ए ब्लड ग्रुप हमने दिया किसको, बी ब्लड ग्रुप वाले को। तो बी ब्लड ग्रुप हैव एंटीबॉडी फॉर ए, जो बी ब्लड ग्रुप होगा वो एंटीबॉडी बना देगा फॉर ए, जिसको हम बोलेंगे एंटी ए। यानी बी ब्लड ग्रुप को अगर ए ब्लड ग्रुप दे दिया गया तो क्या बन जाएगा, एंटी ए। जो बी ब्लड ग्रुप है वो एंटीबॉडी जनरेट करवाएगी ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा एंटी ए। अब देखो अगर यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप को बी ब्लड ग्रुप यहाँ पे दे दिया जाए तो ए ब्लड ग्रुप हैव एंटीबॉडी फॉर बी, जिसको हम बोलते हैं एंटी बी। तो देखो अगर ए ब्लड ग्रुप बी को दे दिया जाए तो एंटी ए बन जाएगा, अगर बी ब्लड ग्रुप ए को दे दिया जाए तो एंटी बी बन जाएगा, यानी यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप को ए एंटीजन दे दिया जाए, अगर ए बी ब्लड ग्रुप को ए एंटीजन दे दिया जाए तो देखो यहाँ पे ए बी ब्लड ग्रुप ऑलरेडी हैव ए एंटीजन, सो इट डज नॉट फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट ए। तो देखो जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास ऑलरेडी क्या है, ए एंटीजन है। जो ए बी ब्लड ग्रुप है इसके पास ऑलरेडी ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। तो चाहे आप इसको ए दे दो या फिर बी दे दो, ये जो है किसी के अगेंस्ट क्या करेगी, एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करवाएगी। तो देखो अब अगर जो है ए बी ब्लड ग्रुप को बी एंटीजन दे दिया जाए, ए बी ब्लड ग्रुप को अगर बी एंटीजन दे दिया जाए, मतलब बी एंटीजन वाला यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाए, तो क्या होगा, ए बी ब्लड ग्रुप ऑलरेडी है बी एंटीजन, सो इट डज नॉट फॉर्म एनी एंटीबॉडी अगेंस्ट बी। देखो एंटीबॉडी हमेशा मतलब फॉरेन पार्टिकल के अगेंस्ट बनती है, सेम के नहीं। देखो इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन थे, जब ए एंटीजन आया तो ए एंटीजन पहले से है, तो ए एंटीजन तो सेम हो गया, तो एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और बी एंटीजन जब आया तो ए बी ब्लड ग्रुप के पास पहले से बी एंटीजन भी है, तो यहाँ पे किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब देखो क्या होगा, अगर हमने जो है ए बी ब्लड ग्रुप को क्या दे दिए, ओ ब्लड ग्रुप जिसपे किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, तो ओ ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन, सो इट डज नॉट इंड्यूज एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन रिसिपिएंट ब्लड। अगर जो है हमने रिसिपिएंट मतलब ओ ब्लड ग्रुप दे दिए किसी भी रिसिपिएंट को, तो इसके पास किसी भी तरह का कोई एंटीजन है ही नहीं, तो किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब देखो अगर हमने ओ ब्लड ग्रुप को ए ब्लड ग्रुप दे दिया या फिर बी दे दिया या फिर ए बी दे दिया, तो इन सबको ही हम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज ए ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन, सो इट विल फॉर्म एंटीबॉडी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एंटीजन। अगर हम जो है ओ ब्लड ग्रुप को किसी भी तरह का ब्लड ग्रुप दे देंगे, चाहे वो ए हो बी हो या फिर ए बी हो, तो यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी किसके अंदर में, ओ ब्लड ग्रुप के अंदर में। तो क्या हो जाएगा, ओ ब्लड ग्रुप डज नॉट हैव एनी एंटीजन, सो इट विल फॉर्म एंटीबॉडी फॉर ऑल टाइप ऑफ एंटीजन। तो हमने जो अभी आपको स्टेटमेंट बताया था वो ये बताया था कि जो ओ ब्लड ग्रुप है वो रिसिपिएंट की बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करती, लेकिन हम अगर ओ ब्लड ग्रुप में कोई भी ब्लड ग्रुप दे देंगे तो वो जो है एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी, यानी खुद में तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगी, दूसरे में नहीं करेगी, रिसिपिएंट के ब्लड में नहीं करेगी। अब देखो आरएच एंटीजन, तो हमने एक तो देख लिया ए बी ओ एंटीजन, अब हमको देखना है आरएच एंटीजन। तो देखो आरएच एंटीजन जो होता है, जो कि सबसे पहले रीसस मंकी में देखा गया था और इसी बेस पे इसका नाम जो है दिया गया था, तो दिस एंटीजन वॉज फर्स्ट डिटेक्टेड इन रीसस मंकी, दैट्स वाई इट इज नोन एज आरएच एंटीजन। तो ये जो है सबसे पहले रीसस मंकी में डिटेक्ट किया गया था, इसी वजह से इसको हम आरएच एंटीजन बोलते हैं। पर्सन हुज आरबीसी कंटेन आरएच एंटीजन और फैक्टर इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। देखो ऐसा व्यक्ति जिसके आरबीसी पे आरएच एंटीजन होते हैं, आरएच एंटीजन या इसी को बोलते हैं आरएच फैक्टर, अगर आरबीसी के सरफेस पे आरएच एंटीजन होते हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, अगर नहीं होते हैं तो निगेटिव ब्लड ग्रुप। जैसे हम देखते हैं ना, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव, इस तरह से। तो अब तक तो हमने ए बी ओ ये चारों तो देख लिया, अब हम इनका पॉजिटिव निगेटिव भी देखेंगे। तो ये जो मतलब पॉजिटिव निगेटिव ब्लड ग्रुप होता है वो डिसाइड होता है आरएच
एंटीजन के हिसाब से। तो अब देखो, पर्सन हुज आर बी सी लैक आर एच फैक्टर इज कंसिडर्ड एज आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप, जिस पे जो है आर एच फैक्टर नहीं होता है उसको हम बोलते हैं आर एच निगेटिव ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, आर एच फैक्टर प्रेजेंट, जैसे हमने यहाँ पे छोटा छोटा मंकी बना लिया क्योंकि ये जो है मंकी में डिस्कवर किया गया था। तो ये जो मंकी है यानी यहाँ पे आर एच एंटीजन प्रेजेंट है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे देखो आर बी सी के सर्फेस पे कोई एंटीजन नहीं है तो आर एच फैक्टर अब्सेंट है यानी निगेटिव ब्लड ग्रुप। अब देखो, इन एशिया, एशिया में हमारा भारत भी आता है, इन एशिया मोर देन 90% पर्सन आर पॉजिटिव फॉर आर एच फैक्टर, यानी 90% व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है, जिनमें आर एच फैक्टर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा ए ब्लड ग्रुप, जहाँ पे ए मतलब आर एच है, आर एच एंटीजन है, तो ये हो जाएगा हमारा ए पॉजिटिव। यहाँ पे आर एच एंटीजन है तो बी पॉजिटिव, यहाँ पे आर एच एंटीजन है तो ए बी पॉजिटिव, यहाँ पे आर एच एंटीजन है तो ओ पॉजिटिव। और देखो, यहाँ पे आर एच एंटीजन नहीं दिख रहा तो ए नेगेटिव, यहाँ भी नहीं दिख रहा तो बी नेगेटिव, यहाँ भी नहीं है तो ए बी नेगेटिव, यहाँ भी नहीं है तो ओ नेगेटिव। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या फिर ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा, तो अब बताइए आप कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा कि ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा। ये तो सबको ही पता होता है, चाहे मतलब कॉन्सेप्ट पता हो या ना हो, लेकिन ये जो है सबको पता होता है कि जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है। लेकिन अब आपको बताना है कि ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या फिर ओ पॉजिटिव होगा। तो फटाफट वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, मुझे जानना है कि आपको जो ऊपर मैंने बताया वो समझ आया या नहीं। तो आपको कमेंट करना ही है और ये बताना है ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर होगा या फिर ओ नेगेटिव। तो अब मैं आपको बताती हूँ इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो हमने आपको क्या बताया, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, क्योंकि उस पर किसी भी तरह का आर एच एंटीजन, सॉरी आर एच नहीं मतलब किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि उस पर किसी भी तरह का एंटीजन नहीं होता है तो वो दूसरे की बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करता है। लेकिन अगर हम बात करें ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव की, तो देखो ओ पॉजिटिव में क्या है, आर एच एंटीजन है, एंटीजन है, लेकिन कौन सा, आर एच एंटीजन। तो आर एच एंटीजन है यानी हम क्या कर सकते हैं, आर एच एंटीजन है तो इसको जो है सबको नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो ओ नेगेटिव है यहाँ पर किसी भी तरह का जो है एंटीजन नहीं है तो ये जो है हमारा यूनिवर्सल डोनर होगा। तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव में अगर मतलब कोई आपसे पूछता भी है कि यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो आपको केवल ओ ब्लड ग्रुप नहीं बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप, ओ नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ना तो ए बी ओ एंटीजन है ना ही यहाँ पे आर एच एंटीजन है, तो किसी भी तरह का एंटीजन नहीं है तो ये हमारा यूनिवर्सल डोनर होगा। अब यहाँ पे देखो आगे देखते हैं, एक है हमारा रिसिपिएंट जिसका क्या है ए पॉजिटिव, तो डोनर क्या होगा ए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन क्या होगा ए और क्या होगा आर एच, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसके पास एंटीजन क्या होगा ए एंड आर एच, तो इसके पास भी एंटीजन क्या होगा ए एंड आर एच। अब देखो एंटीजन वनली ए, ही डज नॉट हैव आर एच एंटीजन सो इट डज नॉट इंड्यूज एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन रिसिपिएंट ब्लड। अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो हमने आपको क्या बताया, ये है हमारा रिसिपिएंट जिसको ब्लड लेना है, तो इसका ब्लड ग्रुप क्या है ए पॉजिटिव, तो हम इसको दे सकता है कौन ए पॉजिटिव, इसको ए पॉजिटिव भी दे सकता है और ए नेगेटिव भी दे सकता है। अब ए नेगेटिव क्यों दे सकता है, ये देखो जो ए नेगेटिव है इसके पास क्या है एंटीजन जो है वो ओनली ए है, आर एच एंटीजन नहीं है, तो ही डज नॉट हैव आर एच एंटीजन सो इट डज नॉट इंड्यूज एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन रिसिपिएंट ब्लड, तो यहाँ पे जो है आर एच एंटीजन नहीं है इस वजह से ये रिसिपिएंट के बॉडी में
क्या करेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करवाएगा। इस वजह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव वाला भी दे सकता है और ए निगेटिव वाला भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो ए पॉजिटिव है, जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, यानी उसमें ए एंटीजन भी है और आरएच एंटीजन भी है, और जो ए निगेटिव है उसके पास ए एंटीजन तो है लेकिन आरएच एंटीजन नहीं है, तो ए एंटीजन है और रिसिपिएंट के ब्लड में पहले से ए एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, और जो दे रहा है उसमें जो है आरएच एंटीजन भी नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगी। अब यहाँ पे देखो, जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए निगेटिव है, क्या है, ए निगेटिव है, तो ए निगेटिव वाला तो इसको दे सकता है क्योंकि इसके ब्लड में क्या होगा, इसके ब्लड में जो एंटीजन होगा वो होगा ए, जो एंटीजन है वो होगा ए, लेकिन यहाँ पे आरएच एंटीजन नहीं होगा, ए एंटीजन होगा। तो अगर ए पॉजिटिव वाला देगा, वैसे तो दे नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास आरएच एंटीजन भी है और इसके पास एंटीजन केवल ए है, और अगर आरएच चला गया तो यहाँ पे एंटीबॉडी बन जाएगी। तो इस वजह से अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है तो ए निगेटिव से ही ले सकता है, ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता। तो अगर वो ले लिया तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, बिकॉज दे डू नॉट हैव आरएच एंटीजन सो इट विल फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट आरएच फैक्टर, क्योंकि इसके जैसे ए निगेटिव है, जो रिसिपिएंट है वो ए निगेटिव है, तो यानी इसके पास आरएच फैक्टर नहीं है, और जो ए पॉजिटिव है उसके पास आरएच फैक्टर है, और अगर यहाँ से आरएच फैक्टर आया, अगर यहाँ से आरएच फैक्टर आया तो यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, आरएच फैक्टर इज डोमिनेंट, तो यहाँ पे देखो, ये जो है पापा, ये मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी, पापा मम्मी, अगर पापा क्या है पॉजिटिव, मम्मी क्या है निगेटिव, तो बच्चा कैसा होगा पॉजिटिव। अगर पापा है निगेटिव, मम्मी है पॉजिटिव, बच्चा कैसा होगा पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव बच्चा भी पॉजिटिव, अगर दोनों निगेटिव तो बच्चा निगेटिव। यानी हम यहाँ से ये कह सकते हैं, अगर पापा या मम्मी में से दोनों में से कोई एक भी पॉजिटिव है तो बच्चा पॉजिटिव ही होगा, यानी जो पॉजिटिव वाला है वो डोमिनेंट होता है। देखो, पापा पॉजिटिव थे तो बच्चा पॉजिटिव है, मम्मी पॉजिटिव थी तो बच्चा पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव है, लेकिन अगर दोनों निगेटिव हो गए तो बच्चा भी निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो हो गया आरएच फैक्टर कौन डोमिनेंट है, प्लस माइनस में। तो देखो, प्लस वाला डोमिनेंट होता है, पापा प्लस थे तो बच्चा प्लस हो गया, मम्मी प्लस थी तो बच्चा प्लस हो गया, दोनों प्लस थे तो बच्चा प्लस हो गया, दोनों माइनस थे तो बच्चा भी माइनस हो गया, मतलब आरएच फैक्टर वहाँ पे अब्सेंट है, ये जो है। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि मम्मी क्या है पॉजिटिव है और बच्चा क्या है पॉजिटिव है। देखो, जैसे एक मम्मी है वो क्या है प्रेग्नेंट है, जो मम्मी है वो प्रेग्नेंट है, तो मम्मी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो नो कॉम्प्लिकेशन इन एनी प्रेगनेंसी, यानी यहाँ पे किसी भी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मम्मी निगेटिव हैं और अगर बच्चा पॉजिटिव है, चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन इन सेकेंड प्रेगनेंसी एंड ऑनवर्ड प्रेगनेंसी क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी अगर मम्मी निगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होगी, इसके अलावा सेकेंड प्रेगनेंसी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब फर्स्ट के अलावा सेकेंड ऑनवर्ड जितनी भी प्रेगनेंसी होंगी सब में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन होगा, और इसी को हम बोलते हैं इरीथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। क्या बोलते हैं, इरीथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इसको आगे हम देखेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से यही बन जाता है कि इरीथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस होता कब है। तो देखो, जो मदर होती हैं उनको हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी होनी चाहिए उनके अंदर में, जो मदर होती हैं उनके अंदर में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर मम्मी पॉजिटिव हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव होगा, लेकिन सोचो अगर बच्चा पॉजिटिव है और मदर निगेटिव हो जाए, मतलब मदर जो है ना वो थोड़ा उनके मन में निगेटिविटी आ जाए, तो फिर तो ये अच्छा नहीं है। यानी जो मदर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन अगर मदर ही निगेटिव हो गई तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना माता कुमाता, तो पॉजिटिव निगेटिव को कुछ उस तरह से मान लेते हैं, मतलब माता जो है पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी सुमाता होनी चाहिए,
लेकिन माता कुमाता नहीं होनी चाहिए, यानी निगेटिव नहीं होनी चाहिए, और अगर निगेटिव हो गई तो दिक्कत बढ़ जाएगी। तो इसी से याद रखना, अगर मदर निगेटिव हो गई और बच्चा पॉजिटिव हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, फादर हमारे क्या थे, पॉजिटिव थे, मदर क्या थी, निगेटिव थी, और यहाँ पे मदर निगेटिव हैं और तो देखो यहाँ पे हमने बेबी को बाहर बना लिया है, मतलब समझने के लिए। वैसे तो इसको पेट के अंदर होना चाहिए था, लेकिन हमने इसको समझने के लिए इस तरह से बना लिया है बाहर। वैसे तो बेबी जो है अभी कहाँ पे है, प्रेगनेंसी अवस्था में, मतलब गर्भ के अंदर है, लेकिन हम समझने के लिए क्या बना रहे हैं, जो मदर हैं वो निगेटिव हैं और जो बेबी है वो पॉजिटिव है। तो हमने क्या देखा, मदर को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर मदर निगेटिव हो गई तो गड़बड़ होता है। तो क्या गड़बड़ होता है ये देखो, तो देखो जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू मदर से कनेक्टेड होता है। तो यहाँ पे मान लो ये हमारा प्लेसेंटा है, जिसके थ्रू जो बेबी है वो मदर से कनेक्टेड है। तो क्या होता है जब प्लेसेंटा बीच में है, मतलब यहाँ पे क्या है, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल ब्लड। तो जो फीटस का ब्लड है और मदर का ब्लड है वो आपस में कॉन्टैक्ट में नहीं है। तो नो चांसेस ऑफ ब्लड मिक्सिंग ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, यानी फर्स्ट प्रेगनेंसी में इन दोनों के ब्लड के आपस में फ्यूज होने का कोई चांस नहीं है, मिक्सिंग का कोई चांस नहीं है। तो अगर ब्लड मिक्स नहीं होंगे तो नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन मैटरनल ब्लड। तो मदर के एंटी, मतलब मदर के ब्लड में किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन अब देखो क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, यानी ये बेबी तो अभी गर्भ में था, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम आता है तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी लिटिल चांसेस आर देयर फॉर मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे प्लेसेंटा को कट किया जाता है, मतलब जब डिलीवरी होती है तो प्लेसेंटा को कट किया जाता है, तो क्या होता है, जो फीटस का ब्लड है और जो मदर का ब्लड है दोनों के आपस में फ्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लिटिल चांसेस आर देयर फॉर मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मैटरनल ब्लड स्टार्ट फॉर्मेशन, मतलब स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच फैक्टर। देखो बेबी पॉजिटिव था, यानी उसमें जो है एंटीजन थे, कौन कौन से एंटीजन थे, आरएच एंटीजन भी थे और ए बी ओ में से भी कोई रहा होगा, और मदर जो है वो निगेटिव थी, यानी ए बी ओ में से कोई तो था लेकिन वहाँ पे आरएच नहीं था। तो अगर बेबी में जो है पॉजिटिव है, यानी आरएच एंटीजन है, तो आरएच एंटीजन जब मदर के ब्लड से मिक्स होगा तो वहाँ पे क्या बनेगा, एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मदर के ब्लड में आरएच एंटीजन नहीं है, आरएच फैक्टर नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैटरनल ब्लड स्टार्ट फॉर्मिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट आरएच फैक्टर, दैट्स व्हाई टू प्रिवेंट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो इस एंटीबॉडी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी इंजेक्शन दिया जाता है किसका, एंटी डी, या फिर इसी को हम बोलते हैं रोगेम, क्या बोलते हैं रोगेम, इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विच प्रिवेंट एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो अगर ऐसा, मतलब इरिथ्रोब्लास्टोसिस का अगर केस आता है कभी, तो क्या किया जाता है कि मतलब जैसे ही डिलीवरी होती है उसके इमीडिएटली, मतलब तुरंत ही उनको एंटी डी या फिर रोगन दे दिया जाता है, मतलब इसका इंजेक्शन दे दिया जाता है ताकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोका जा सके। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सब क्वेश्चन इरिथ्रोब्लास्टोसिस से यही पूछते हैं कि किस केस में ये होता है, यानी कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव ये पूछते हैं। दूसरा ये है कि मतलब इस केस में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो रोगेम या फिर एंटी डी दिया जाता है। तो कुछ इसी तरह के यहाँ से ईजी से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो क्या होता है ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी क्या होता है, यहाँ पे एंटी आरएच जो है वो आ गया। तो इफ़ डॉक्टर फेल्ड टू एडमिनिस्टर एंटी आरएच, अगर एंटी आरएच जो है डॉक्टर फेल हो गए, नहीं एडमिनिस्टर कर पाए, मैटरनल ब्लड विल फॉर्म एंटी आरएच एंटीबॉडी, तो मदर के ब्लड में क्या होगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी। और ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडी है कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड रीचेज टू फीटल ब्लड, मतलब प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है और फीटस के ब्लड तक पहुंच सकती है। और क्या करती है,
NTRH स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग फीटल RBC, और ये जो NTRH जो कि मदर के ब्लड में बनी हुई थी, जब वो फीटस के ब्लड में जाती है तो वो जो NTRH है वो फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। जो NTRH बनी हुई है वो फीटस के RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। सीवियर कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू डेथ ऑफ फीटस, और इस केस में जो फीटस है सीवियर कॉम्प्लिकेशन के वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसी वजह से तो हमने देखा कि अगर जो है मदर निगेटिव है, बेबी पॉजिटिव है फर्स्ट प्रेगनेंसी के दौरान, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे जब सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और किसी भी तरह का एंटी रोगन या रोगम नहीं दिया गया, मतलब डॉक्टरों के द्वारा, तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो एंटीबॉडी जो NTRH बनी हुई है मदर के ब्लड में, वो सेकेंड वाला बेबी जो मतलब है अभी यूटरस में, तो उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जो सेकेंड बेबी आया उसकी डेथ हो जाती है। तो ठीक इसी तरह से मतलब चाहे वो सेकेंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, सभी बेबीज़ की डेथ होती चली जाती है। कभी कभी आप देखेंगे मतलब बहुत लोगों का ऐसा केस होता है कि फर्स्ट बेबी तो बिल्कुल सही होता है लेकिन सेकेंड थर्ड एक भी बेबी मतलब नहीं बचते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। तो वही होता हमारा इरीथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन लीड्स टू डेथ ऑफ फीटस, जिसको हम बोलते हैं इरीथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। और यहाँ पे देखो इरीथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस से जो भी क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से बन सकता है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, RH पॉजिटिव फादर होना चाहिए, RH नेगेटिव मदर होनी चाहिए। रप्चर ऑफ RBC इन फीटस फीटल ब्लड फ्रॉम सेकेंड प्रेगनेंसी, यानी RBC का रप्चर कब होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान। जॉन्डिस हो जाता है बच्चे में जिससे एनीमिया हो जाती है और डेथ हो जाता है लास्ट में। ट्रीटमेंट क्या है, NTD या रोगेम दिया जाता है, शुड बी एडमिनिस्टर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी। तो ये उसका जो है ट्रीटमेंट है। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर WBC जो है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब देखो जैसे डोनर क्या है, ओ है, क्या है हमारा ओ ब्लड ग्रुप जो है वो डोनर है, और यहाँ पे रिसिपिएंट जो है वो ए ब्लड ग्रुप यानी इस पे है ए एंटीजन। तो ओ डज नॉट हैव एनी एंटीजन, जो ओ ब्लड ग्रुप है इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, सो इट विल नॉट इंड्यूज एंटीबॉडी फॉर्मेशन इन रिसिपिएंट ब्लड, यानी रिसिपिएंट के ब्लड में किसी भी तरह की एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं कराएगा। अब देखो जैसे ओ ब्लड ग्रुप है यहाँ पे कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन अगर ए ब्लड ग्रुप उसको दिया जाए, तो अब तक तो जो ओ था वो डोनर था लेकिन अब ओ जो है वो रिसिपिएंट है, तो ए ब्लड ग्रुप हैव ए एंटीजन, सो इट विल इंड्यूज एंटीबॉडी जनरेशन इन रिसिपिएंट ब्लड। तो ओ में ये जो है क्या करवाएगा, एंटीबॉडी जनरेशन करवाएगा, तो इससे जो है कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे, दिक्कत हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हम यहाँ पे इसको नहीं दे सकते हैं, यानी ए ब्लड ग्रुप हम ओ वाले को नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन ओ ब्लड ग्रुप जो है इसको दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरह की एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो जो भी यहाँ पे मतलब ब्लड ग्रुप किस बेस पे डिसाइड होते हैं कि RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन है, बाकी कौन किस से ले सकता है, कौन किसको दे सकता है, ये सब भी किस पे डिसाइड होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी फॉर्मेशन पे। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, थोड़ा सा एनर्जी आपको कम लग रहा होगा बट कोई बात नहीं। हम जो है इसके आगे, तो ये लेक्चर तो हमारा पूरा हो गया WBC के बारे में। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे, हमने अभी तक जो भी डिस्कस किया वो था हमारा RBC के बारे में। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे WBC के बारे में। तो आप जो है अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।